नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अपने प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधनों के बारे में। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा शुरू से विस्तार में। जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधनों को दो भागों में माना जा सकता है, एक साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन, जो देशी और विदेशी दोनों हैं। साहित्यिक साधन दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ दो प्रकार के हैं, श्रुति जिसमें वेद हैं और ब्राह्मण उपनिषद इत्यादि आते हैं, और स्मृति जिसके अंतर्गत रामायण महाभारत पुराण स्मृति आदि आती हैं। लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के हैं, एक ऐतिहासिक साहित्य, नंबर दो विदेशी विवरण, नंबर तीन जीवनी और चार में कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। पुरातात्विक सामग्रियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, अभिलेख, मुद्राएं तथा भग्नावशेष स्मारक। ये पुरातात्विक सामग्रियां हैं जो तीन प्रकार की हैं, अभिलेख, मुद्राएं तथा भग्नावशेष स्मारक। साहित्यिक साधन, नंबर एक धार्मिक साहित्य, नंबर दो ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर तीन श्रुति वेद ब्राह्मण उपनिषद या वेदांग, नंबर चार में आ जाएगा स्मृति या रामायण महाभारत पुराण स्मृति, या नंबर पाँच में आएगा ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर छः में आएगा लौकिक साहित्य, नंबर सात में ऐतिहासिक, नंबर आठ में देशी विवरण, नंबर नौ में जीवनी, नंबर दस में कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। उसके बाद अगर हम बात करें तो पुरातात्विक साधनों की, तो पुरातात्विक साधनों नंबर एक में अभिलेख, नंबर दो में मुद्रा, नंबर तीन भग्नावशेष स्मारक, और फिर उसके बाद साहित्यिक साधनों की बात करें तो उसमें सबसे पहले वेद है। वेद के बारे में जान लेते हैं। ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और वे सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जो चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से आर्यों के प्रसार, पारस्परिक युद्ध, अनार्यों, दासों और दस्युओं से उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशेष मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अथर्ववेद से तत्कालीन संस्कृत तथा विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर आगे में ब्राह्मण के बारे में बात कर लेते हैं। वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचविश, तैतरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। ऐतरेय के अध्ययन से राज्याभिषेक तथा अभिषिक्त नृपतियों के नाम का ज्ञान प्राप्त होता है। शपथ शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गंधार, साल तथा कैके आदि प्रकार के प्राच्य देश, कुरुपांचाल कौशल तथा विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियां प्रस्तुत करते हैं। राजा परिचित की कथा ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई है। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इस ग्रंथों में भूमिसार के पूर्व के भारतीय अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जनमेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है।